एशिया कप 2022 में भारतीय टीम ने अपना दूसरा मैच भी जीत लिया। बुधवार को दुबई स्टेडियम में हांगकांग के खिलाफ मैच खेला गया था। टीम इंडिया ने टूर्नामेंट के अपने इस दूसरे मैच को 40 रनों के अंतर से जीत लिया। इस हार के बाद हांगकांग के एक खिलाड़ी ने ऐसा काम किया जिसे देख सभी खुश हो गए। हांगकांग के लिए खेलने वाले भारतीय मूल के किंचित शाह ने मैच हारने के बाद स्टेडियम में दर्शकों के बीच बैठी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया। ये वाक्य देख वहां मौजूद सभी लोग हैरान तो हुए ही साथ ही खुश भी हो गए। किंचित शाह टीम की जर्सी में ही मैच के तुरंत बाद दर्शकों के बीच पहुंच गए थे। यहां लोग हैरान हो गए। तभी एक लड़की के पास जाकर किंचित ने अपने घुटनों पर बैठकर और हाथ में रिंग लेकर उसे प्रपोज कर दिया। फुल वाइट ड्रेस में खड़ी वो लड़की काफी खुश हो गई। उसने तुरंत ही हाँ भी कर दी। इसके बाद किंचित ने उस रिंग पहनाई और अपना बना लिया। इस तरह किंचित ने गर्लफ्रेंड के साथ वहां मौजूद लोगों का भी दिल जीत लिया। इस सीन को बिग स्क्रीन के जरिए कमेंटेटर गौतम गंभीर, संजय बांगड़ और शो होस्ट जतिन सप्रू भी देख रहे थे। इस सीन को देखकर पूरी हांगकांग की टीम उत्साह से तालियां बजाने लगी। किंचित शाह का जन्म मुंबई में हुआ था और उनके पिता भी क्रिकेट खेलते थे। जब किंचित 3 महीने के थे तब उनके पिता फैमिली के साथ हांगकांग चले गए थे। अपने पिता को भी क्रिकेट खेलते देख 10 साल की उम्र में उन्होंने भी लेदर बॉल क्रिकेट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। भारत ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद 2 विकेट पर 192 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। सूर्य कुमार यादव की 26 गेंद में 68 रन की आक्रामक पारी और विराट कोहली ने अर्धशतक जमा दिया। कोहली ने काफी समय के बाद अर्धशतक जड़ा है। इससे पहले उन्होंने 18 फरवरी को कोलकाता में वेस्टइंडीज के खिलाफ 52 रन बनाए थे। 193 रनों के टारगेट के जवाब में हांगकांग की टीम ने पूरे ओवर खेले लेकिन 5 मैच गंवाकर 152 रन ही बना सकी। इस तरह भारतीय टीम ने 40 रन के अंतर से ये मैच जीत लिया। मैच में बाबर हयात ने 41 और किंचित शाह ने 30 रन बनाए लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। आज के लिए वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।